हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेपी से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 6 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब, ठीक है। आज वोकैब आपका डे 77 है, ठीक है। काफी दिन हो गए, तो जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए प्लीज प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख ले, ठीक है। और वीडियोस को हमेशा अंत तक देखिए, पूरा वॉच कीजिए उसको, और मैं हर बार बोलूंगा उसको कॉपी में लिखिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, गो थ्रू कीजिए, ठीक है। और जो भी यहाँ पे मैं टेस्ट करवाता हूँ, रैपिड टेस्ट करवाता हूँ, वोकैब टेस्ट, उसको अटेंड कीजिए, ठीक है। और आपका जो प्रिपरेशन लेवल है उसको आप कहाँ स्टैंड करते हो उसका आप एक आइडिया लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड है हमारे पास, काफी अच्छा वर्ड है ये, और आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एक्सटेन्यूएट, या लास्ट ईयर ही पूछा गया था आपके प्रीलिम्स में। एक्सटेन्यूएट बहुत ही अच्छा वर्ड है। एक्सटेन्यूएट एक वर्ब होता है, ठीक है, इट्स अ वर्ब, फाइन। और इसका मीनिंग क्या होता है, टू रिप्रेजेंट एन ऑफेंस एज लेस सीरियस, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप घर पे सपोज आपने एक गलत काम कर दिया, ठीक है, बचपन में आपने कुछ वो कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको मम्मी आपको कभी कभार बचाती है कि नहीं, तो आपको ऐसा बोलती है कि मतलब कि नहीं नहीं इसने तो कुछ बड़ा ऐसा कुछ किया ही नहीं, मतलब माइनर फॉल्ट था उसका ऐसा कुछ। तो अगर किसी मतलब ऑफेंस को, ठीक है, या फिर किसी छोटे मोटे क्राइम को अगर ऐसा किया जाता है कि मतलब नहीं इतना बड़ा क्राइम नहीं है, इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है, उसको कहते हैं हम लोग एक्सटेन्यूएट करना, फाइन। टू रिप्रेजेंट एन ऑफेंस एज लेस सीरियस, किसी ऑफेंस को ये बताना कि उतना सीरियस नहीं है, ठीक है, बस छोटा मोटा ऑफेंस है, छोटा मोटा क्राइम है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेन्यूएट करना, एक्सटेन्यूएट करना। या फिर ये थोड़ा सा पुराना मीनिंग है जिसको कहते हैं हम लोग टू मेक थिन, ठीक है, किसी को पतला करना या फिर किसी का एनर्जी थोड़ा सा कम करना, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेन्यूएट करना, फाइन। टू रिप्रेजेंट एन ऑफेंस एज लेस सीरियस या फिर टू मेक थिन, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, एक तो हो गया मिटिगेट, फाइन। मिटिगेट बहुत अच्छा वर्ड है। मिटिगेट मतलब क्या होता है, किसी बुरे चीज का जो इफेक्ट है, ठीक है, किसी निगेटिव इफेक्ट को कम करना, उसको बोलते हैं हम लोग मिटिगेट करना, फाइन, मिटिगेट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास है पैलिएट करना, इसका भी ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है मिटिगेट की तरह, पैलिएट करना, या फिर मॉडरेट करना। मॉडरेट मतलब क्या होता है, आप एक्सट्रीम रहते हो, आपका सपोज आपका व्यू पॉइंट एक्सट्रीम है, तो आपने उसको कम किया, आपने आपके व्यूज को आपने मॉडरेट किया आपने, ठीक है। अगर कोई सीवियर चीज को कम करना, उसको भी कहते हैं अपन मॉडरेट करना, या फिर मिटिगेट करना, या फिर आपका पैलिएट करना, फाइन। तो मिटिगेट, पैलिएट, मॉडरेट, ये आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप किसी किसी चीज को अगर आप लेस सीरियस बना रहे हो, ठीक है, लेस सीरियस बना रहे हो, तो अल्टीमेटली उस चीज को आप वीक कर रहे हो ना, आप चीज उस चीज को आप वीक कर रहे हो, आप है ना, वीक कर रहे हो, करेक्ट। जैसे कि ये अगर आप देखोगे, इसको कहते हैं हम लोग एक्सटेन्यूएट करना। जैसे कि ये अगर देखो, अगर ये हाथ यहाँ पे रखेंगे नहीं, तो ये सारे जो ब्रिक्स है जो भी है यहाँ पे, वो सारे गिर जाएंगे, ठीक है। इस ये जो एक मान लीजिए, इसको एक ऑफेंस की तरह मान लीजिए, ठीक है, इसको रोकने के लिए ये जो यहाँ पे हाथ रखा गया, इस काम को हम लोग बोलते हैं एक्सटेन्यूएट करना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे टू मेक लेस सीरियस, लेस सीवियर, उसको हम लोग क्या वीक करना कहते हैं। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके, एक तो स्ट्रेंथन करना, यही आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि इसका एंटोनिम पूछा गया था शायद, ठीक है, एक्सटेन्यूएट वर्ड का। या फिर रेस करना, फाइन, रेस करना, ओके, यहाँ पे कोई चीज था अगर इतना सीरियस था, इतना सीरियस कर देना, ओके, रेस कर देना किसी, या फिर एनलार्ज करना, ठीक है, बड़ा करना, रेस करना, स्ट्रेंथन करना, उसको कह, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सटेन्यूएट वर्ड के। यूसेज क्या हो जाएगा, हिज मदर ट्राइड टू एक्सटेन्यूएट द क्राइम ऑफ हर सन, ठीक है, एक्सटेन्यूएट मतलब बोल रहे कि मतलब लेस सीरियस है, इतना बड़ा मतलब क्राइम नहीं किया है, ठीक है, छोटा मोटा क्राइम किया है मतलब, ओके। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक्सटेन्यूएट टू रिप्रेजेंट एन ऑफेंस एज लेस सीरियस, टू मेक थिन, मिटिगेट, पैलिएट, मॉडरेट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रेंथन, रेस, या फिर एनलार्ज करना, एंड दिस इज द सेंटेंस एंड दिस इज द इमेज, फाइन। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिफल्जेंट, ये भी आपके लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब रिफल्जेंट का मीनिंग पूछा था, रिफल्जेंट, फाइन, एंटोनिम पूछा गया था, रिफल्जेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है रिफल्जेंट, जिसका मीनिंग होता है शाइनिंग ब्राइटली या फिर शाइनिंग वेरी ब्राइटली, ओके, बहुत ज्यादा अगर शाइन कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग रिफल्जेंट, फाइन, रिफल्जेंट, ओके, शाइनिंग ब्राइटली, ओके, तो या फिर शाइनिंग वेरी ब्राइटली उसको कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये इमेज जो है, ठीक है, ये एक डायमंड है, तो डायमंड बहुत चमकता है कि नहीं, काफी ब्राइट वे में चमकता है, ठीक है, काफी ब्राइटली चमकता है, तो यू कैन से रिफल्जेंट है ये चीज, फाइन, रिफल्जेंट, या फिर एक सेंटेंस लिखा हुआ, विल डिस्कस दैट, फाइन। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक तो रेडिएंट होगा, ब्राइटली मतलब क्या है, ब्राइटली, ब्राइटली मतलब क्या है, उससे रेज निकलते होंगे, करेक्ट, रेज निकलते होंगे, तो रेडिएंट चीज भी ऐसा ही होता है, करेक्ट, रेडिएंट मतलब क्या, जिससे रेज वगैरह निकलता हो, रेडिएंट, फाइन। तो या फिर ग्लीमिंग, ग्लीमिंग एक अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट रिस्प्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट, वेरी गुड वर्ड्स गाइस, रिस्प्लेंडेंट, फाइन। या फिर ग्लिटरिंग भी आप कह सकते हो, ग्लिटरिंग, या फिर सिंटिलेटिंग, ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ग्लिटरिंग, सिंटिलेटिंग, जो बहुत ज्यादा ब्राइटली शाइन करता है, फाइन। रिस्प्लेंडेंट वर्ड इज वेरी गुड, और रिस्प्लेंडेंस इसका नाउन होता है, फाइन।
तो इसको तो आप जरूर मार्क कीजिए, रिस्प्लेंडेंट वर्ड को। फाइन, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? डार्क हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा ब्राइटली शाइन कर रहा है उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डार्क, या फिर डिम, या फिर डल। फाइन, तो डार्क, डिम, डल, ये आपके सारे डी से वर्ड है जो आपका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ब्राइटली शाइन कर, अगर अंधेरा कर दे तो क्या होगा? शाइन नहीं करेगा, तो डार्क है। डिम मतलब क्या है? एकदम कम लाइट। फाइन, कम लाइट। डल तो मतलब पता है आपको, जो एकदम लैकलस्टर होता है, जिसका बहुत ज्यादा शाइनिंग वगैरह नहीं करता, डल सा होता है। ओके, तो वही है। तो यूसेज क्या है? ब्रैडली कूपर, यू नो अबाउट हिम, ब्रैडली कूपर आई गेस। ठीक है, हॉलीवुड का काफी फेमस एक्टर है ब्रैडली कूपर। हिज आईज आर वेरी, यू कैन से ब्लू आईज। फाइन, तो रिफल्जेंट ब्लू आईज मतलब बहुत ज्यादा शाइन करता है। या फिर इंडिया में, ओके, ऐश्वर्या राय, उनके आईज काफी, मतलब क्या है, ब्लू आईज है और बहुत शाइन करता है। तो यू कैन से रिफल्जेंट ब्लू आईज। फाइन, तो रिफल्जेंट मीनिंग क्या होता है? शाइनिंग ब्राइटली, रेडियंट, ग्लीमिंग, रिस्प्लेंडेंट आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डार्क, डिम, या फिर डल, एंड दिस इज द सेंटेंस। फाइन, तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है विशिएट। ठीक है, विशिएट, विशिएट एक अच्छा वर्ड है। ओके, विशिएट का मीनिंग क्या होता है? टू इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ। इम्पेयर करना मतलब क्या होता है? कि क्वालिटी खराब करना। ठीक है, इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी कम करना, या फिर क्वालिटी में मतलब क्वालिटी घटाना, उसको कहते हैं हम लोग इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ, या फिर विशिएट करना, या फिर मेक, टू मेक फॉल्टी, फॉल्टी डिवाइसेस, फॉल्टी थिंग्स। ठीक है, किसी को फॉल्टी बनाना। फॉल्टी मतलब क्या? जिसमें फॉल्ट हो, जिसमें फ्लॉ हो, उसको बोलते हैं फॉल्टी। ठीक है, तो अगर आप फॉल्टी बनाओगे तो क्या होगा? उसके क्वालिटी में गिरावट होगी कि नहीं होगी? तो उसी को कहते हैं हम लोग विशिएट करना, टू इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ, या फिर टू मेक समथिंग फॉल्टी, विथ फ्लॉज, विथ फॉल्ट्स। ओके, सिनोनिम्स के, जैसे कि अगर आप इमेज के देखोगे, आपने सपोज, किसी ने सपोज ये काफ़ी मतलब वो है, तो इसने क्या कर दिया, एक मतलब मशीन के पैनल को खोला और यहाँ पे जो स्क्रू है उसको निकाल दिया उसने, तो ये मशीन का क्वालिटी प्रॉपर तरीके से काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसलिए जो इसने क्या किया, मतलब उसने विशिएट किया है उसने। ठीक है, तो इसने एक स्क्रू निकाल दिया, तो इसका क्वालिटी जो है उसका डाउन हो जाएगा इस मशीन का। फाइन, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? निगेट करना, ठीक है, निगेट करना, या फिर अंडरमाइन करना। अंडरमाइन मतलब अल्टीमेटली क्या है, कि चीज को वीकन करना, उसको भी कहते हैं हम लोग अंडरमाइन करना, या फिर क्वैश करना। फाइन, क्वैश करना, तो निगेट, अंडरमाइन, क्वैश, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, निगेट, अंडरमाइन, क्वैश। फाइन, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अगर आप क्वालिटी को घटा रहे हो तो सपोर्ट करोगे तो क्वालिटी अच्छा होगा। ठीक है, तो सपोर्ट, असिस्ट, प्रोटेक्ट। फाइन, सपोर्ट करना या फिर असिस्ट करना मतलब हेल्प करना, मदद करना अच्छा करने के लिए, या फिर प्रोटेक्ट करना उसको। ठीक है, उसको सावधानी से उसको रखना उसको, तो उसको कहेंगे, ये क्या हो जाएंगे इसके? एंटोनिम्स हो जाएंगे, सपोर्ट, असिस्टेंट, प्रोटेक्ट आर द वर्ड, एंटोनिम्स ऑफ विशिएट वर्ड। फाइन, सेंटेंस क्या हो जाएगा? द प्रोग्राम हैज विशिएटेड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। फाइन, कोई प्रोग्राम होगा, गवर्नमेंट का कोई स्कीम होगा, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई भी ले, फिर मनरेगा ले लो, तो वो क्या होगा? विशिएट हो गया, उसका जो क्वालिटी है वो घट गया, क्योंकि फंड नहीं है। ठीक है, सो द प्रोग्राम हैज विशिएटेड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, सेंटेंस हो गया हमारे पास। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, विशिएट, टू इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ, टू मेक समथिंग फॉल्टी, निगेट, अंडरमाइन, क्वैश आर द सिनोनिम्स, सपोर्ट, असिस्ट एंड प्रोटेक्ट आर द एंटोनिम्स, एंड दिस इज द सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फाइन, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एक बहुत ही कॉमन वर्ड लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रेपिडेशन। फाइन, इसको वर्ड मैंने बहुत पहले भी लिया हुआ है। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है कि ट्रेमुलस फियर, ऐसा फियर जिस फियर में आप कांपते हो, ठीक है, इतना डर लगना कि आप कांपते हो, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेपिडेशन। जैसे कि यहाँ पे, ओके, तो ही इज ट्रेमलिंग विथ फियर, ठीक है, ट्रेमलिंग, ठीक है, जिसमें ट्रेमर हो उसको भी कहते हैं। कल आपने एक वर्ड देखा था, इनट्रेपिड, लेकिन ठीक है, ट्रेपिडेशन फियर होता है, लेकिन इनट्रेपिड क्या होता है? फियरलेस होता है, ध्यान रखिए ये सब। ठीक है, ट्रेपिडेशन होता है, ओके, ट्रेमुलस फियर मतलब ऐसा फियर जिसमें आप कांपते हो, उसको कहते हैं ट्रेपिडेशन। लेकिन इनट्रेपिड का मतलब होता है कि फियरलेस, करेजियस, डॉन्टलेस, फाइन, ब्रेव, उसको कहेंगे। इसको फटाफट करते हैं, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पैनिक करना, फाइन, मतलब ट्रेमुलस फियर, पैनिक में भी आप कांपते हो, पैनिक हो जाता है, नर्वसनेस, बहुत ज्यादा नर्वसनेस, या फिर जिटर्स, जिटर्स भी अच्छा वर्ड है, और जिटर्स का आपका एडजेक्टिव क्या होता है? जिटरी, जिटरी में भी आप क्या होते हो? आप कांपते हो, जिटरी। फाइन, तो पैनिक, नर्वसनेस, जिटर्स आर द वर्ड सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इस स्टेट में अगर हो आप तो कांपते हो, मतलब आपका क्या, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो कॉन्फिडेंस हो गया आपका इसका एंटोनिम, या फिर कांपते हो, कामनेस, अगर आप काम हो तो आप कांपोगे नहीं, ठीक है, तो कामनेस इसका एंटोनिम हो जाएगा, या फिर कंपोजर, तो कॉन्फिडेंस, कामनेस एंड कंपोजर आर द वर्ड, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ ट्रेपिडेशन वर्ड। ओके, कॉन्फिडेंस, कामनेस एंड कंपोजर। फाइन, सेंटेंस क्या हो जाएगा? ट्रेपिडेशन प्रिवेल्ड अमंग द पीपल आफ्टर द मास शूटिंग। ठीक है, मास शूटिंग अगर
कहीं पे हुआ, ठीक है ना, किसी ने अगर मतलब गनमन लेके गोली गोली मारा, तो उसके बाद लोगों के अंदर क्या क्या रहेगा, फियर रहेगा, लोग कांपेंगे, ठीक है, डर के मारेंगे, ओके, बाहर नहीं निकलेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग ट्रेपिडेशन प्रिवेल्ड अमंग द पीपल आफ्टर द मास शूटिंग, ठीक है, ट्रेपिडेशन, ट्रेबुलस फियर, मतलब होता है लेकिन फियरलेस, फाइन। सिनोनिम्स ये हो जाएंगे पैनिक, नर्वसनेस, जीटर्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस, कामनेस, या फिर कंपोजर। एंड द लास्ट वर्ड वी हैव गॉट, दैट इज वर्ड, लास्ट वर्ड जो हमारे पास है, ओके, उसको डिस्कस करते हैं, स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर एक नाउन होता है, काफी अच्छा वर्ड है स्ट्रिक्चर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है आपका, रिमार्क, एक तो होता है, दो मीनिंग है इसके, एक ऐसा रिमार्क जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाए उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रिक्चर, कहते हैं हम लोग रिमार्क स्पेशली दैट, मतलब क्या है, जो बहुत ज्यादा आपको क्रिटिसाइज करे, ठीक है, कैस्टिगेट करे, आपको रिव्यू करे, वैसे स्टेटमेंट्स को, वैसे रिमार्क को हम लोग, कमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग स्ट्रिक्चर बोलेंगे, या फिर रेस्ट्रिक्शन को भी कहते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन को भी हम लोग स्ट्रिक्चर कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, स्ट्रिक्ट अगर कोई चीज़ है तो वो ऐसा ही होता है, क्रिटिसिज्म होता है उसमें, या फिर रेस्ट्रिक्शन होता है उसमें, ठीक है। स्ट्रिक्ट तो अच्छा वर्ड नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड टोन लेता है, तो इसलिए मीनिंग भी ऐसा है इसका, रिमार्क स्पेशली एंड एडवर्स क्रिटिसिज्म, ओके, या फिर रेस्ट्रिक्शन, फाइन। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ओके, रेप्रोबेशन, वेरी गुड वर्ड, फाइन, इसको मार्क कर लीजिए, रेप्रोबेशन, या फिर ऑब्लोक्वी, या फिर रिव्यू, फाइन। तो रेप्रोबेशन और ऑब्लोक्वी, इसको तो आप मार्क कर ही लीजिए, बाकी और कैसे वर्ड हो जाएंगे, सेंस्योर, फाइन, या फिर कैस्टिगेशन, फाइन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, रेप्रोबेशन, फाइन, ओके, रिप्रीमेंड करना वो भी होता है, ओके, रेप्रीमेंड करना, रेप्रोबेशन, ऑब्लोक्वी, या फिर रिव्यू करना, दीज आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो तो तारीफ करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, प्रेज हो जाएगा, तारीफ करना, या फिर कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है, या फिर आपका क्या हो जाएगा, अप्लॉज करना, अप्लॉज करना, शाबाशी देना, फाइन। तो प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट करना, या फिर अप्लॉज करना, ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, फाइन। जैसे कि इस इमेज में अगर आप देखोगे, दिस पर्सन, ठीक है, इसको इतने सारे लोग उंगली उठा रहे हैं इसके, दैट मीन्स व्हाट, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं दैट इज व्हाट, स्ट्रिक्चर, फाइन। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द रिव्यूअर मेड सेवरल स्ट्रिक्चर्स अपॉन द फिल्म, दैट मीन्स उसने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, उसने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया उस फिल्म को, फाइन। तो द रिव्यूअर मेड सेवरल स्ट्रिक्चर्स अपॉन द फिल्म, होता है ना कभी कभार, मतलब क्रिटिक्स वगैरह जो क्रिटिसाइज करते हैं काफी मूवीज को, फाइन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, स्ट्रक्चर, रिमार्क, स्पेशल एंड एडवर्स क्रिटिसिज्म, फाइन, रेस्ट्रिक्शन, रेप्रोबेशन, ये दोनों वर्ड ध्यान दीजिए बहुत ज्यादा, रेप्रोबेशन एंड ऑब्लुक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, रेब्यूक, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, या फिर आपका अप्लॉज करना, एंड दिस इज द सेंटेंस, ठीक है गाइस। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू।